गाइस मैं हूं आशु और आप सब देख रहे हो आशु गेमिंग यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है यार आप सबका एक और नई वीडियो में। और आज की ये वीडियो आप सब फ्री फायर प्लेयर्स के लिए बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है, क्योंकि आज की ये वीडियो आप सबको रैंक पुश करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। क्योंकि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसी 5 चीजों के बारे में जिनको ग्रैंड मास्टर प्लेयर सबसे ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन हमारे जैसे नॉर्मल फ्री फायर प्लेयर्स उनको यूज करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और इसी वजह से हम हीरोइक और मास्टर पर अटक जाते हैं और वो सारे प्लेयर्स ग्रैंड मास्टर पहुंच जाते हैं। तो चलो यार आज की इस मजेदार वीडियो को बिना किसी देरी के एक साथ शुरू करते हैं। लेकिन यार वीडियो शुरू होने से पहले आप कमेंट करके जरूर बताना कि आप सबकी तबीयत अभी कैसी है और आपका भाई तो बिल्कुल मजे में है। तो गाइस इस लिस्ट में 5वें नंबर पर जो चीज आती है वो है बॉन फायर और स्पेशल एयर ड्रॉप। गाइस एक रिसर्च के हिसाब से फ्री फायर में 90% से भी ज्यादा बंदे बाउंटी टोकन का यूज करना पसंद करते हैं और हम भी उन प्लेयर्स में से एक है जो रैंक गेम में बाउंटी टोकन लेकर जाते हैं। बाउंटी टोकन तो आपकी शुरू में थोड़ी सी हेल्प कर सकता है, आपको शुरू में अच्छे गन देने का काम करता है, वो तो आप थोड़ा बहुत लूटोगे तो आपको वैसे भी मिल जाएगी। और इसीलिए आपको आज से बाउंटी टोकन की जगह स्पेशल एयर ड्रॉप या फिर बॉनफायर का यूज करना है। तो यार इस लिस्ट में 4th नंबर पर जो चीज आती है वो है अपनी पलोमा कैरेक्टर। गाइस हर एक ग्रैंड मास्टर प्लेयर पलोमा कैरेक्टर का यूज तो जरूर करता है, लेकिन हम में से एक भी फ्री फायर प्लेयर इस कैरेक्टर को यूज करना पसंद नहीं करता। हम सब सोचते हैं कि ये तो एक बेकार कैरेक्टर है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ग्रैंड मास्टर प्लेयर्स इस कैरेक्टर का यूज करना कभी भी नहीं भूलते, क्योंकि इस कैरेक्टर की हेल्प से वो अपने बैग में कम से कम 20 मेडिकेट रख लेते हैं और कम से कम 400-500 ARMO रख लेते हैं, जिससे उनको वापस लूटने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती और वो एक जगह पर जाकर बैठ जाते हैं और वहीं से किल करते रहते हैं। तो यार इस लिस्ट में 3rd नंबर पर जो चीज आती है उसका नाम है 3-1 स्ट्रेटजी। तो गाइस ये एक ट्रिक होती है जिसको ज्यादातर ग्रैंड मास्टर प्लेयर्स यूज करते हैं। इसमें होता ये है कि आपके 3 प्लेयर्स तो जोन के अंदर होते हैं और एक प्लेयर जोन के बाहर होता है। आप सबको रश खेलना पड़ता है जिससे आप अपनी टीम के लिए ज्यादा बैटल स्कोर इकट्ठा कर पाओ और इसी वजह से आप सब रश खेलते हो और आप जैसे जैसे मरते जाते हो तो वो बंदा जोन के अंदर अपने टोकन से आपको रिवाइव करता रहता है और इससे आपके किल भी बहुत सारे हो जाते हैं और आप लास्ट जोन तक भी आराम से पहुंच जाते हो। अगर आप भी इस ट्रिक को यूज करोगे तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो यार इस लिस्ट में 2nd नंबर पर जो चीज आती है वो है मीशा कैरेक्टर। गाइस आप में से बहुत सारे फ्री फायर प्लेयर्स इस चीज का यूज करते होंगे और ग्रैंड मास्टर प्लेयर्स भी इस चीज का यूज हमेशा करते हैं, क्योंकि वो पैदल भागने से अच्छा गाड़ियों को यूज करना सही समझते हैं। और यार एक तरीके से सही भी है, आप गाड़ी से किसी भी बंदे को टक्कर मारते हो तो उसका पूरा कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है और आप उसको फिर आराम से किल करके आ जाते हो, और अगर आपका पूरा स्क्वाड साथ में रहेगा फिर तो यार अलग ही बात है। और इसीलिए वो कभी भी गाड़ी को नहीं छोड़ते, हमेशा मीशा कैरेक्टर अपने साथ रखते हैं और गाड़ी को उठाते हैं और जोन की तरफ चल देते हैं और इसीलिए वो खूब सारे किल के साथ हर मैच को बुआ कर पाते हैं। तो गाइस इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर जो चीज आती है वो है स्नाइपर प्लेयर। गाइस आप मानो या ना मानो, अगर आपको ग्रैंड मास्टर पहुंचना है तो आपकी टीम में एक स्नाइपर प्लेयर तो होना ही चाहिए, क्योंकि यार स्नाइपर अपने फ्री फायर की एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा डैमेज देती है। और इसीलिए अगर आप किसी स्क्वाड के ऊपर रश कर रहे हो और एक बंदा पीछे से कवर फायर दे रहा है तो यार आपके सामने वो स्क्वाड बिल्कुल भी नहीं टिक सकता, क्योंकि यार कवर तो बहुत ज्यादा मेन चीज होती है। तो यार ये सारी वो चीजें थी जो हर एक ग्रैंड मास्टर प्लेयर ज्यादातर रैंक पुश करते टाइम यूज करते हैं। यार उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी और यार अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और यार जाते जाते एक बार नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर सेट करते जाना, जिससे आपको फ्री फायर रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलो यार बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।